नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सीएम नीतीश कुमार के भूत वाले बयान को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है, ये आप जानते हैं। खबर यह है कि गर्माहट बढ़ रही है। लालू और राबड़ी दोनों ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि गरीबों के खेवनहार, जब 2005 में सीएम आवास से निकले थे तब उसमें एक भूत घुसा था। सीएम आवास में भूत छोड़कर आया हूं। साहब के इस वाक्य का भावार्थ नीतीश जी समझ नहीं पाए। 15 वर्ष बाद भी नीतीश जी आवास में सुबह सुबह आईना देखते हैं तो उन्हें भूत ही नजर आता है। तो यानी राबड़ी देवी ने तंज कसा है सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि लालू ने ही उन्हें बताया था कि वे एक अन्य मार्ग में भूत छोड़कर आए हैं। राबड़ी देवी ने लिखा है कि नीतीश जी मतलब ही नहीं समझ पाए। नीतीश जी आज जब आईना देखते हैं तो उन्हें भूत ही नजर आता है। लालू यादव ने भी सीएम के इस बयान पर तंज कसा है, हमला किया है, निशाना साधा है सीएम नीतीश कुमार पर। लालू ने लिखा है कि इस बार जनता किस कसके वोट की झाड़फूंक से इनके सारे भूत प्रेत छुड़ा देगी। विकराल बेरोजगारी, महंगाई, ध्वस्त विधि व्यवस्था, बदहाल शिक्षा व्यवस्था और घुसखोरी जैसे सतही भूत प्रेती और डरावने मुद्दों की बात नहीं करके छलिया लोग जनता को भ्रमित करने के लिए भूत ही बातें कर रहे हैं। तो भूत की सियासत चल रही है, भूत पर सियासत चल रही है और भूत को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आज सुबह सुबह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दोनों ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है, ये गर्माहट कहाँ से शुरू हुई है, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार अपने आवास पर लोगों से मिलजुल रहे थे। लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने बातचीत में ये कहा कि लालू ने ही उन्हें बताया था कि वे एक अन्य मार्ग में सीएम हाउस में भूत छोड़कर आए हैं। और इसके बाद इस बयान के बाद बयानों का सिलसिला शुरू हो गया। आरजेडी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी ने बयान दिया और ये खुलासा किया कि चूंकि मैं टोने टोटके की बातों पर भरोसा नहीं करता, भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मेरी जेहन से ये बात निकल गई थी, लेकिन चूंकि भूत वाला बयान आया है नीतीश कुमार का, इसलिए मुझे वो प्रसंग याद आ गया, वो कहानी याद आ गई। नीतीश कुमार ने मारक पूजा करवाई थी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और फिर पुरोहित को पता चल गया था, पुजारी को पता चल गया था और उन्होंने लालू यादव को ये बता दिया था। तो ये तमाम तरह के बयान कल सामने आए हैं। तो भूत को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है और आज सुबह सुबह लालू और राबड़ी दोनों सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं भूत वाले इस बयान को लेकर। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी आज जब आईना देखते हैं तो उन्हें भूत ही नजर आता है। लालू यादव ने भी सीएम के इस बयान पर तंज कसा है, हमला किया है, निशाना साधा है सीएम नीतीश कुमार पर। लालू ने लिखा है कि इस बार जनता किस कसके वोट की झाड़फूंक से इनके सारे भूत प्रेत छुड़ा देगी। विकराल बेरोजगारी, महंगाई, ध्वस्त विधि व्यवस्था, बदहाल शिक्षा व्यवस्था और घुसखोरी जैसे सतही भूत प्रेती और डरावने मुद्दों की बात नहीं करके छलिया लोग जनता को भ्रमित करने के लिए भूत ही बातें कर रहे हैं। तो भूत की सियासत चल रही है, भूत पर सियासत चल रही है और भूत को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आज सुबह सुबह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दोनों ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है, ये गर्माहट कहाँ से शुरू हुई है, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार अपने आवास पर लोगों से मिलजुल रहे थे। लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने बातचीत में ये कहा कि लालू ने ही उन्हें बताया था कि वे एक अन्य मार्ग में सीएम हाउस में भूत छोड़कर आए हैं। और इसके बाद इस बयान के बाद बयानों का सिलसिला शुरू हो गया। आरजेडी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी ने बयान दिया और ये खुलासा किया कि चूंकि मैं टोने टोटके की बातों पर भरोसा नहीं करता, भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मेरी जेहन से ये बात निकल गई थी, लेकिन चूंकि भूत वाला बयान आया है नीतीश कुमार का, इसलिए मुझे वो प्रसंग याद आ गया, वो कहानी याद आ गई। नीतीश कुमार ने मारक पूजा करवाई थी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और फिर पुरोहित को पता चल गया था, पुजारी को पता चल गया था और उन्होंने लालू यादव को ये बता दिया था। तो ये तमाम तरह के बयान कल सामने आए हैं।
तो भूत को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है और आज सुबह सुबह लालू और राबड़ी दोनों सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं भूत वाले इस बयान को लेकर। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।